हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यसी की रसोई बाई यसी का। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी एकदम अलग तरीके से। ये ली है मैंने लौकी, इसको छील के काट लेंगे मीडियम साइज़ के पीस में। चलिए इसको छील के काट लेते हैं। ये मैंने लौकी को छील के धो लिया है और धुलने के बाद मैंने इसको मीडियम साइज़ के पीस में काट लिया है। चलिए अब इसको कुकर में डालकर उबाल लेते हैं। 3 सीटी आएंगी, अच्छे से लौकी उबल जाएगी 3 सीटी में। मैंने लौकी को कुकर में डाल दिया है। लौकी को डालने से पहले मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है नीचे, और हम बिना पानी के बॉईल करेंगे। लौकी में पानी ऑलरेडी होता है तो हम इसमें पानी ऊपर से नहीं डालेंगे। और मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब मैंने इसमें लौकी डाल दी है। अब कुकर की लीड को बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है, अब हम इसको देख लेंगे लौकी को। लौकी में हल्का सा पानी है जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, आप देख सकते हैं। अभी भाप निकल रही है, लौकी गर्म है, इसमें हल्का सा पानी है। तो इसको हम स्ट्रेनर में डाल के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। जो छलनी होती है उसमें हम डाल देंगे लौकी को और हल्का सा चम्मच से प्रेस कर देंगे। ये मैंने लौकी को छलनी में डाल दिया है, इसमें से पानी निकल भी जाएगा और हल्का सा हम दबा दबा के इसका पानी हल्का निकाल देंगे। हमें पूरी तरह से इसको नहीं निचोड़ना है, हल्का सा पानी निकालेंगे। इसके बाद इसको हम पीसेंगे। अब हम इस लौकी को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, पूरी तरह से हमको नहीं निचोड़ना है। ऐसे दबा दबा के हम हल्का सा पानी इसमें निचोड़ देंगे, यानी कि 50% निकाल देंगे पानी और 50% इसी में रहने देंगे। ये मैंने निचोड़ दिया है इसको। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। इधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। जब तक चाशनी बनकर तैयार हो रही है तब तक हम लौकी को भी तैयार कर लेते हैं, और जो हमें ज़रूरत पड़ेगी बर्फ़ी के लिए वो भी तैयार कर लेते हैं निकाल कर सामान को। ये मैंने लौकी को कंटर में डाल दिया है पीसने के लिए। अब इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर। ये लिया है मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इसको इसी में मिला देंगे और 2 मिनट के लिए मिक्सी को चला के इनको मिक्स कर लेंगे। मैंने लौकी में मिल्क पाउडर डालकर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये है 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे नारियल का बूरा भी बोलते हैं। इसको इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लौकी, मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादा को डालकर इस तरीके से अभी एक बैटर सा बन गया है गाढ़ा गाढ़ा। चलिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये चाशनी जमने के लिए तैयार है, और मैंने लौकी में भी मिला लिया है मिल्क पाउडर, वो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। लौकी एक बार इसको देख लेते हैं, चाशनी को पानी डालकर चेक कर लेते हैं। चाशनी को इस तरीके से हम एक कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा चाशनी का इसमें डालेंगे बैटर। अगर ये एकदम से टाइट हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पानी में एकदम से जमने के लिए तैयार है। चलिए अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं कढ़ाई को। इसमें फटाफट से ये जो हमने लौकी मिल्क पाउडर रखा है मिला के, इसको मिला देंगे। थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर डाल देंगे, फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस चाशनी में 1 पिंच फूड कलर डाल देते हैं, और इसी में ये हम सारा बैटर डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ है, और इसको चला देंगे। फटाफट से इसको चला देंगे।
अब मैंने थाली को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, उस थाली में हम इसको जमने के लिए डालेंगे। इसमें थोड़ा बचा हुआ है ये भी निकाल लेते हैं मिक्सी के कंटर में, इसको भी मिला दें। मैंने थाली को ग्रीस करके रखा है पहले से, अब हम ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे। जमने के लिए लौकी की बर्फी तैयार है। अब हम इसको इस कलछी की सहायता से फैला देंगे अच्छे से फटाफट पूरे में। अब इस पे हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काट के लिया है बादाम और नारियल। लौकी की बर्फी अलग तरीके से बनाने का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको हम 2 घंटे के लिए किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद फिर हम इसके पीस कट करेंगे। ये बर्फ़ी अच्छे से जम गई है, अब इसको हम पीस काट लेंगे इसके। मैंने ये बर्फ़ी के सारे पीस निकाल लिए हैं। बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो लौकी की बर्फ़ी के वीडियो को शेयर करें।